खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से आ रही है, जहां शहर स्वाइन फ्लू का हॉटस्पॉट बनते जा रहा है। पिछले 24 घंटे में स्वाइन फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। इसी क्रम में दुर्ग जिले में भी फ्लू के मरीज मिलते जा रहे हैं। सभी का दुर्ग के अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। दुर्ग जिले में अब तक स्वाइन फ्लू से 3 मौतें हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। दरअसल दुर्ग जिले में अब तक फ्लू के 23 मरीज मिल चुके हैं। वही 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। सेक्टर 4 में रहने वाले एक व्यक्ति की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई, जबकि इससे पहले सेक्टर 5 और कुम्हारी में रहने वाले 2 बुजुर्गों की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। शासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो एपिडेमिक्स हैं, डेंगू है, मलेरिया है, स्वाइन फ्लू है और मंकी पॉक्स है, उनको लेकर के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वाइन फ्लू के दुर्ग में अभी केसेस 6-7 के करीब हैं, जिसमें से कुछ हमारे रायपुर के हॉस्पिटल्स में हैं, कुछ हमारे हॉस्पिटल्स में हैं। हमारी टेस्टिंग अभी चंद्रलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में उनकी टेस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। जिला अस्पताल में भी टेस्टिंग, अभी उनका प्रोक्योरमेंट किट की तैयारी चल रही है। शासन से जैसे प्राप्त होता है उसकी भी टेस्टिंग हम शुरू कर देंगे। स्वास्थ्य का अमला पूरा अलर्ट है और जो अवेयरनेस की गतिविधियां हैं लगातार की जा रही हैं। आप लोगों के माध्यम से भी मेरा निवेदन है कि अगर स्वाइन फ्लू के लक्षण आते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में पहुंच करके बिना किसी डिले के प्लीज इलाज करवाएं। इसमें स्वास्थ्य विभाग का रहता है तो उसमें वो कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।